गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं बिना मोबाइल नंबर के। दोस्तों क्या होता है, आप अपने मोबाइल पे बहुत सारा जीमेल अकाउंट क्रिएट कर ले होते हैं तो आपके मोबाइल नंबर से जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आप बिना मोबाइल नंबर से आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों कौन से ट्रिक है जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों लेट ना करते हुए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना सेटिंग को ओपन कर लेना होगा, मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। ओके, सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ इसमें ऐप मैनेजर को ढूंढ लेना होगा। जो मोबाइल होगा उसमें अलग अलग फीचर्स में दिया रहता है, अलग अलग जगह पर दिया होता है ऐप्स। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों मैनेज ऐप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ आपको वो ऐप ढूंढ लेना है, क्रोम ब्राउज़र। ओके, क्रोम ब्राउज़र ऐप को यहाँ आपको ढूंढ लेना है। क्रोम ब्राउज़र ऐप को ढूंढने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इसका जो है क्लियर डाटा ब्राउजिंग करना है। दोस्तों इसको हम क्लियर डाटा यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ क्लियर कैश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर लेते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ क्लियर डाटा का एक मतलब मैनेज एस्पेस का ऑप्शन निकाल दिया, इसके वाला ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ क्लियर ऑल डाटा आ रहा है ऑप्शन। ओके, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों ये जो है क्रोम ब्राउज़र का जितना डाटा होगा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ नो थैंक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप फ्लो कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ओके, आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा सकता है, इसके वजह से यहाँ जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो आपको उसके बाद से सर्च बार में सर्च करना है जीमेल। ओनली दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, जीमेल। जीमेल सर्च करने के बाद जैसे आप दोस्तों जीमेल सर्च करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जीमेल गूगल। ये देख सकते हैं जीमेल गूगल दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों ये जैसे ही आपको न्यू पेज पे लेके जाएगा, उसके बाद से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर पे लिखा रहा है साइन इन का ऑप्शन। ओके, साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ आपको जो है बोला जाएगा, आप अपना जो पुराना अकाउंट है आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको पुराना अकाउंट तो लॉगिन करना नहीं है, नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है बिना मोबाइल नंबर का। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप अपने लिए बना रहे हैं तो फॉर माई सेल्फ, लड़के के लिए बना रहे हैं तो फॉर माई चाइल्ड, नहीं तो मैनेज मतलब बिजनेस मैनेज के लिए बना रहे हैं तो टू मैनेज माई बिजनेस। ओके, तो उसके बाद से दोस्तों फॉर माई सेल्फ वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल लेना है। जैसे आप डालते हैं वैसे आपको यहाँ फिल कर लेना है। ओके, तो हम यहाँ पूरा फिल करके आगे के स्टेप बताते हैं। ठीक है, यहाँ हम सब कुछ फिल कर चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो हम यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लिए हैं। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से शो होगा, देख कुछ मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाए, लेकिन फ़ोन नंबर यहाँ है ऑप्शनल, आपको फ़ोन नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको फ़ोन नंबर बिल्कुल डालना ही नहीं है। यहाँ दोस्तों क्या लिखा है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल, मतलब जो है आपका फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डालोगे तब भी ठीक, नहीं डालोगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप चूज कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमने चूज कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों जेंडर को सिलेक्ट करना है, आप जो भी जेंडर होंगे मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो है आपका ईमेल अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद से आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद से यहाँ पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो नेवर भी कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देखेंगे आपको ये जो बोले रहा है, आपको डायरेक्ट ओपन द जीमेल ऐप मतलब जीमेल ऐप में जाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो आप यहाँ यूज द वेब वर्जन भी क्लिक कर सकते हैं। तो यूज द वेब वर्जन हमने क्लिक कर दिया है। तो देख सकते हैं ये जो मेरा जीमेल अकाउंट है बन के रेडी हो चुका है। यहाँ मैं थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं दिखा दूँ, यहाँ जो मैं जीमेल अकाउंट बनाया हूँ चंदन 84144434@gmail.com, तो यहाँ देख सकते दोस्तों देख सकते हैं ये बन चुका है जीमेल अकाउंट। तो इस प्रकार से आप
बिना मोबाइल नंबर के हज़ारों जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यूजफुल वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर ले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।